9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन झारखंड में जनजातीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और रांची के मोरहाबादी मैदान में देखिए कितना भव्य यहाँ पर स्टेज तैयार किया गया है। यहाँ पर झारखंड के कुछ स्थानीय कलाकार, स्थानीय बच्चे, स्थानीय डिजाइनर जो है इसे ऐसा लुक देने में लगे हैं जो पूरी तरह से ट्रेडिशनल लगे, आदिवासी लुक लगे। ये स्टेज पर आप देखिए ये चटाई जो है आपको गांव में दिखती होगी, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में जहां पर कालीन अक्सर बिछा करता है और ये चटाई इसीलिए बिछाया जा रहा है ताकि ये जो आदिवासियों का प्रोग्राम है उसमें आदिवासी लुक जो है आ सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी चारों तरफ काम चल ही रहा है, लगातार लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ डिजाइनर हैं, क्या नाम है आपका? वर्षा कश्यप जी हैं। तो ये चटाई वगैरह आप लोग बिछवा रहे हैं? हाँ जी हाँ, जैसे आप बिल्कुल देख रहे हैं कि हम लोग चटाई बिछा रहे हैं ताकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो शो है उसमें हमारा जो गारमेंट है वो ट्रेडिशनल सेटअप में पॉप आउट करे, ताकि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहीं और से कुछ और मतलब बैकग्राउंड के साथ अपना ट्रेडिशनल आउटफिट दिखा रहे हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कैसे लोकली सब कुछ अरेंज किया जा रहा है, लोकल सेटअप में, लोकल सेटिंग है, हाउस होल्ड सेटिंग्स है, मतलब जैसे गांव में आप जाते हैं, आप जैसे देखते हैं वैसा सेटिंग हम लोग क्रिएट करना चाह रहे थे बस। मतलब थोड़ा कंटेम्प्रेरी अप्रोच है हमारा, बट देखिए कैसे निकल कर आता है। चटाई हो गया, ये डलिया रखा हुआ है बांस का डलिया है, हमारे पास घड़ा है, हमारे पास चकला है, हमारे पास कुंभनी है, ये जितनी चीजें थोड़ा सा दिखाइए क्या-क्या। आइए देखिए क्या-क्या है। घड़ा भी है इसको? हाँ, ये घड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि मुर्गी ढकने वाला जो आता है चकला, वो है, वो छाता भी है, और हमारे पास दो प्रकार का कुंभनी है, बस यही सब है अभी हम लोग के पास। मछली वगैरह? हाँ, मछली पकड़ने वाला। हाँ, छतरी टाइप? हाँ, ये छतरी टाइप से जो रहता है, ये छाता है, इसमें डंटा भी लगना बाकी है, बट ये भी ग्रामीण जो इसी छाते का। हाँ, बोल सकते हैं आप। अब तो नए नए तरीके का छाता इस्तेमाल करने लगे, लेकिन पहले जब छाता नहीं हुआ करता था तब ये यही इस्तेमाल होता था। अब भी कई जगह पे किया जाता है, बट अब हम लोग को पुराने चीज़ों को वापस उभार के लाना, दिखाना लोगों को कि देखिए सस्टेनेबल लिविंग पे जाइए, सस्टेनेबल है ये। आप इसी की पढ़ाई? हाँ जी, हम इसी की पढ़ाई किए हैं, हम NID से पढ़ाई किए हैं इस चीज़ के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, हाँ वहाँ से पढ़ाई किए हैं एग्जीबिशन डिज़ाइन का। डिजाइनिंग का की जो पढ़ाई है ये मतलब कपड़े में छपाई वाली डिजाइनिंग है कि ये अलग दूसरी? ये अलग प्रकार की डिज़ाइन है। आप तो कपड़े में छपाई के डिज़ाइन देखते ही हैं, मेरा एग्जीबिशन डिज़ाइन होता है क्या है, वो स्पेस से रिलेटेड डिज़ाइन होता है, जैसे सेट डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट स्पेसेस, फिर म्यूजियम, ये सब का मेरा पढ़ाई है। बेसिकली हम स्पेस के साथ डील करते हैं, तो आप मेरे को कोई भी स्पेस का काम दीजिएगा, कुछ करने बोल दीजिएगा, हम वो मेरा काम है वो करके देना। पहली बार आप झारखंड में इतना बड़े मंच को तैयार? हाँ, हम तो भी अच्छा लगा। पहली बार इतना बड़ा मंच पे, पर हम कर चुके हैं, छोटा मोटा काम कर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर चूंकि ये तो स्टेट का प्रोग्राम हो गया ना, मुख्यमंत्री रहेंगे, स्टेट का प्रोग्राम, हाँ पहली बार आए। हाँ, और क्या होगा इसमें, जैसे चटाई लग गया, अभी कैसे इसको लुक देने? देखिए ये तो आपका नीचे आया, ऊपर में क्या आने वाला, आपका पूरा विंग्स बनने वाला चटाई का, वॉल का, ठीक है, और फिर ऊपर में पूरा पुआल बिछने वाला है ताकि हम लोग कोई अलग चीज़ ना दिखाए, मतलब बस जो दिखाए ट्रेडिशनल चीज़ दिखाए, मतलब गांव घर में जो दिखता है, घर में जो दिखता है वही दिखाए। तो ऊपर में अब वो शो के दौरान ही होगा, वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग को ये सेटअप करना है, तो अब आप जो देखेंगे जो होगा, कोई भी प्रैक्टिस हमारा नहीं होने वाला है, सब ऑन द स्पॉट शो के दिन होगा। आप खुद गांव से? हाँ, हम भी गांव से हैं, लेकिन उतना आना जाना, आप शहर में सेटल होने के बाद उतना आना जाना नहीं होता है। कहाँ घर है? मेरा वैसे तो गांव पड़ता है, क्या बोलते हैं, मांडर के पास पड़ता है मेरा गाँव। हाँ, रांची जिला में ही पड़ता है मेरा गाँव, मांडर के पास पड़ता है। हाँ, वरना हम लोग यहीं कांटो टोली में, हम लोग का मेरा पूर्वज कब से जनरेशन, 3-4 जनरेशन से रांची में बसे हुए हैं। हाँ, अच्छा लगा कि एक तो है कि झारखंड का प्रोग्राम है, झारखंड के कलाकार हैं और झारखंड के डिजाइनर भी हैं, ये इसलिए हम चाह रहे थे कि आपसे। अब जनजाति महोत्सव में नहीं होगा ये सब चीज़, तो कब होगा? ये देखिए अभी यहाँ पर स्टेज तैयार ही हो रहा है, अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ ये पहुँची हैं और स्टेज को तैयार कर रही हैं, क्योंकि इसी स्टेज पर जो है कल रैंप से होना है। ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइटिंग और तमाम चीज़ें जो है लगातार लगाई जा रही है, बहुत कम समय बचा और यही वजह है कि जल्दी जल्दी काम को जो है
यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर कई जो बच्चे हैं वह गौसनर कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर वो चीज़ों को लगाएं। ये सभी लोग आए हैं कॉलेज से आए हैं? ये सब लोग यहीं के स्टूडेंट्स हैं, ये सब लोग यहीं के स्टूडेंट्स हैं। मास्कॉम के स्टूडेंट्स हो ना आप लोग? सब मास्कॉम गौसनर कॉलेज। हाँ, तो आप लोग का के लिए पहला अनुभव है, इंटर्नशिप टाइप है? हाँ, पहला अनुभव है हम लोग के लिए। अनुभव दिखाइए आप लोग, तो इनसे क्या क्या करवा रहे हैं आप? ये एक्चुअली ये सब मेरा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रही है सेटअप करने में। इनको भी एक एक्सपीरियंस? हाँ, इनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, काफ़ी हेल्प करते अभी तक। ये देखिए हम लोग को वॉलेंटियर नहीं मिलता है, हाँ चटाई बिछाने में हेल्प करते, यही काम कर रहे हैं इनका चटाई बिछाने के लिए। कीजिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, समय बहुत कम है। हाँ, थैंक यू। तो आप देखिए कि ये इनका काम जो है शुरू हो चुका है और कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जा सके। शुक्रिया। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in